नमस्कार। कैथलवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अब इसी कड़ी में एक और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो खुल गया है। जी हां, हम पहुंचे हैं कैथल में जो IDBI बैंक है उसके बिल्कुल पास मेहता हॉस्पिटल में, जिसकी आज ओपनिंग हो चुकी है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ओपनिंग के मौके पर जो रिबन है वो एक छोटी सी गुड़िया आयरा ने काटा है, और जो इस मौके पर जो हैफेड चेयरमैन है कैलाश भक्त वो भी पहुँचे हैं। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मिलेंगी, और जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अलग अलग जो रूम है वो बनाए गए हैं, इमरजेंसी रूम है, लैब है, OPD है, और भी जो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो अब कैथलवासियों को यहाँ मिलने वाली है। तो क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी तो हम आपको बताएंगे कि जो डॉक्टर कुशल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, कुशल मेहता, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो स्वास्थ्य सेवाएं कैथलवासियों को ये देने वाले हैं। तो कैथलवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि एक और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो कैथल में खुल गया है। जो आपको दोबारा से एड्रेस बता देते हैं कि जो IDBI बैंक है उसके बिल्कुल पास जो गली में मेहता हॉस्पिटल है वो खुल गया है। तो क्या कुछ सुविधाएं कैथलवासियों को यहाँ मिलेंगी, तो आइए जो डॉक्टर कुशल है हमारे साथ वो मौजूद है, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं कैथलवासियों को देने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और कैथल की जनता को आप दिखा रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे यहाँ पे हमने मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो जनरल फिजिशियन मैं देख रहा हूँ, और गायनी डिपार्टमेंट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डिपार्टमेंट है, और सर्जरी डिपार्टमेंट, तीनों ही डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमारे यहाँ पे सारी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, और बिल्कुल ऐसे कि किसी की ये नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा वो है, नहीं, बजट फ्रेंडली जो हमारा, जो हम जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे। हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24/7 है, सुबह भी है इमरजेंसी अवेलेबल, और रात को भी किसी को कुछ इमरजेंसी होती है तो हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। और लैब 24/7 है, फार्मेसी 24/7 है, किसी को कभी भी कुछ ज़रूरत लगे तो हम उनके लिए बैठे हैं और उनकी सहायता करने के लिए ज़रूर बैठे हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि कम पैसों में बेहतर इलाज आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की सहायता करने के लिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो पाएगी उतनी हम उनकी सहायता करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए, यहाँ जैसे ये इमरजेंसी है जो, और सारी जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ हमने सब कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, तो जितनी भी जिसको जो भी ज़रूरत लगे हम उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जी तो मतलब ICU है इसके अंदर, ये इमरजेंसी है, हाँ, इसके अंदर जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील किया जाता है। ये हमारी लैब है जो 24/7 ऑपरेटेड है। जी, ये फर्स्ट इसमें इस जैसे लैब में कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो होंगे? लेटेस्ट जितने भी बेसिक टेस्ट और जितने भी एडवांस टेस्ट हैं वो सभी किए जाएंगे, बेसिक टेस्ट से लेके एडवांस टेस्ट तक सारे ही किए जाएंगे। जी, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियों में जैसे हम बोल सकते हैं कि सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत या फेफड़ों की दिक्कत या जो जहर पी लेते हैं, हाँ जी, उन सब रोगों के लिए हमारे पास इलाज है, चाहे वो एक बुखार से लेकर और एक पॉइजनिंग तक, जो भी बीमारियां, जिस भी किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो हम यहाँ पर उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। जी, तो यहाँ ये पहली OPD है, यहाँ आप बैठोगे? ये फर्स्ट OPD है जिसके अंदर जनरल फिजिशियन मैं बैठूंगा, और दूसरी जो OPD है वो गायनी डिपार्टमेंट की है, वो गायनी वहाँ पे ऑपरेट करेंगे। ये हमारा ICU है, इसके अंदर मोनिटर्स, जो एडवांस मोनिटर्स हैं और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ वो सुविधाएँ यहाँ, वो सुविधाएँ यहाँ पर दी जाएंगी। जो OPD का टाइम है वो क्या रहेगा सर? हम सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक मैं खुद बैठता हूँ, और लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर है, जो भी चीज की सर्जरी हो या कोई भी गायनिक की रिलेटेड सर्जरी तो वो होगी। ये प्राइवेट रूम है, और ये दूसरा जो गायनी डिपार्टमेंट के लिए दूसरी OPD बनाई गई है वो है, और उसके बाद ये हमारा छोटा सा एक ऑफिस टाइप, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ के लिए बैठने के लिए, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। हमारे 4 बेड्स के 2 जनरल वार्ड हमने बनाए हुए हैं, और ये लेबर रूम है। तो डॉक्टर साहब, जिस इलाज के लिए कैथलवासी दिल्ली चंडीगढ़ जाते थे, अब वो कैथल में संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हर प्रकार की सुविधाएं दें, और जितना बेहतर से बेहतर उनका इलाज हो सके हम अच्छे तरीके से बजट फ्रेंडली उनका इलाज करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुशल मेहता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो कैथलवासियों को जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मेहता हॉस्पिटल में देने वाले हैं। तो जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर चित्रा, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की जो महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो यहाँ मिलने वाली हैं। जी मैम, मेहता हॉस्पिटल में जो स्त्री रोग डिपार्टमेंट बनाया है तो किस तरह की सुविधाएँ महिलाओं को यहाँ मिली? देखिए, महिलाओं के लिए जो महिलाओं के स्त्रियों के जो रोग होते हैं उनसे संबंधित हर एक प्रकार की सुविधा, साथ में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उनके लिए, और साथ में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन और हिस्टेक्टमी, और बाकी जो बच्चेदानी में किसी तरह की रिसोली है उसका ऑपरेशन है, इस और
ट्यूब बंद होने का, इस तरह की सभी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में रहेंगी। बोल सकते हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यहाँ बनाई जाएगी। जी 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 बिल्कुल। तो ये थी जो मैडम स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर चित्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरह की जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ मेहता हॉस्पिटल में रहेंगी। तो अब जो इस मौके पर हैफेड चेयरमैन कैलाश भक्त वो भी पहुँचे हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कैथल में जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है मेहता हॉस्पिटल के नाम से वो खुल चुका है, क्या कुछ अपने बारे में कहना चाहेंगे, कैथलवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सर, मेहता हॉस्पिटल की ओपनिंग पे आज पहुँचे तो क्या कहना चाहेंगे? आज शहर का एक सौभाग्य है कि एक अच्छा और हॉस्पिटल जो है वो शहर को मिला है, जिससे आम जनता को जो है वो अच्छी एक सुविधाएं मिलेंगी। और आप देख रहे हो कि इस डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर आज पूरा शहर जो है वो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है, और डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल के अंदर भी एक बहुत अच्छे सराहनीय काम किए, जिसके साथ मेरी तरफ से डॉक्टर साहब को सदा ही शुभकामनाएं रहेंगी कि ये दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की करें और ये हॉस्पिटल जो है वो शहर की पूर्णतः सेवा करें। जैसे आपने राउंड लिया हॉस्पिटल का, देखिए भी अलग अलग रूम बनाए हुए थे, प्राइवेट रूम अलग है, कंप्यूटर लैब अलग है, और जो आईसीयू वगैरह वो अलग है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह की सुविधाएं यहाँ कैथलवासियों को मिलने वाली? बहुत अच्छे तरीके से एक हॉस्पिटल को बनाया गया, जिसमें एक चाहे कितना अच्छा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबके लिए एक अच्छी सुविधाएं जो है वो दी गई। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है वो शहर के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा और सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं अपनी तरफ से, समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, हमारे बच्चे समान हैं, डॉक्टर हैं कुशल मेहता जी, आज उन्होंने कैथल में अपना हॉस्पिटल बनाया मेहता हॉस्पिटल के नाम से, मैं उनको अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जिस प्रकार से डॉक्टर कुशल मेहता जी ने कैथल के लोगों की कोरोना के दौरान सेवा करने का काम किया, ठीक उसी प्रकार लोगों की सेवा करते रहें और अपने काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। सबसे पहले तो मैं पूरे शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगी और कुशल पाल जी को बधाई देना चाहूँगी कि आपने एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जो, और आपका मुझे पता है शुरू से ही कोरोना टाइम से ही कि आप लोगों की सेवा करने के लिए कैसे तत्पर हैं, और आपकी कामना करती हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।